सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से गुरु नानक केयर्स के प्लेटफॉर्म पे मेरी ये कोशिश रहती है तकरीबन हर वीडियो में कि आप तक कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लाऊं जो हटके है, जो यूनिक है, जो स्पेशल है और जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे। देखिए, मी टू इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट, बहुत बेशुमार अवेलेबल है, लेकिन कुछ डिफरेंट, समथिंग यूनिक, समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू विद दैट बेनिफिट्स यू ऑल। आज का वीडियो भी ऐसा ही रहेगा। इनफैक्ट गोइंग थ्रू द प्रिपरेशंस, मैंने थोड़ा होमवर्क किया है तो उस दौरान भी एज यूजुअल एज ऑलवेज आई ऑनेस्टली फील के होम्योपैथी इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, इज ट्रूली अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। और यकीन मानिए, आज का वीडियो आप एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें तो आप खुद ये बात कहेंगे कि ये वाकई में इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। होम्योपैथी एक ऊपर वाले की कृपा कह लें, रहमत है परवरदिगार की। आई शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले अ वर्ड ऑफ कॉशन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो दवाएं या ट्रीटमेंट की बात करते हैं ना, ये दिस इज़ ओनली मेंट फॉर अवेयरनेस, केवल आपकी जानकारी के लिए है, ठीक है। नो सेल्फ मेडिकेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि ना बहुत सेंसिटिव इश्यूज रहते हैं, बहुत सेंसिटिव दवाएं हैं, आवर बॉडी इज़ वेरी सेंसिटिव, हाउ इट रिएक्ट्स टू सर्टेन मेडिसिंस वी डोंट नो। तो ये दवाएं आप ज़रूर लें, लेकिन स्ट्रिक्टली अंडर सुपरविजन ऑफ अ फिजिशियन, किसी अच्छे डॉक्टर की देख रेख के अंदर ही दवाओं का प्रयोग करें, नो सेल्फ मेडिकेशन स्पेशली टुडेज़ वीडियो। दोस्तों, आज बात करेंगे बेंजोडाइजेपिन्स की। बेंजोडाइजेपिन्स आर कैटेगरी ऑफ ड्रग्स कह लें, मेडिसिन, इस तरह की क्लास ऑफ ड्रग्स रहती हैं जिसे ना हम बेंजोस भी कहते हैं और डिप्रेसेंट्स भी कहते हैं, बिकॉज दे लोअर द ब्रेन एक्टिविटी, जो हमारे दिमाग की क्षमता है ना, जो एक्टिविटी है वो, उसका कार्य करता है वो, जो तो उसको लोअर करेगी, उसको स्लो डाउन करेगी। डिप्रेसेंट्स हैं बेंजोस, बेंजोडाइजेपिन्स, बेसिकली दे आर यूज फॉर इंडिकेशंस लाइक एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, आई हैव सेपरेट वीडियो ऑन दैट, देख लीजिएगा, उसके लिए यूज़ होता है। इनसोमनिया, स्लीप डिसऑर्डर्स, नींद ना आना है ना, बेचैनी, घबराहट, आई मीन साइको एक्टिव ड्रग्स कह सकते हैं, साइकियाट्रिक ड्रग्स कह सकते हैं, इट्स स्पेशल कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है। शायद ये वर्ड आपने ना सुना हो, लेकिन हाँ, इसके अंदर जो कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स, जो सॉल्ट्स आते हैं ना, यू हैव हर्ड ऑफ अबाउट देम, यू हैव यूज्ड देम, कहीं ना कहीं आपने यूज़ भी किया होगा। फॉर एग्जांपल, लेट मी नेम अ फ्यू, क्लोनाजिपाम, एल्प्रोजोलम, डायजिपाम, या ये कई सॉल्ट्स ऐसे हैं आपने कहीं ना कहीं यूज़ किए होंगे, है ना। साइकियाट्रिक प्रोडक्ट्स हैं, साइकियाट्रिक ड्रग्स हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब केसेस में यूज़ होते हैं, राइट। दोस्तों, कहीं ना बहुत ही डिफ़िकल्ट सिम्टम्स रहते हैं, बहुत भयंकर कंडीशंस रहते हैं, सीजर्स फॉर एग्जांपल, दौरे पड़ते हैं, कन्वल्शंस हैं, अच्छा, पैनिक डिसऑर्डर्स ना, पैनिक हिस्टेरिकल पेशेंट्स रहते हैं, ऐसी कंडीशंस रहती हैं, मसल में क्रैम्प्स पड़ते हैं, स्पाजम्स पड़ते हैं, अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स रहते हैं, विच आर वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट एज सच, टू क्योर, उनको मैनेज करना दिक्कत रहती है। वहाँ बेंजोडाइजेपिन्स, ये वाली जो सॉल्ट्स मैंने नाम किए हैं, ये वहाँ यूज़ किए जाते हैं, एंड एलोपैथी में दीज आर वेरी इफेक्टिव, नो डाउट दिट इज़ आर वेरी इफेक्टिव, लेकिन वेरी सिवियर साइड इफेक्ट्स इवन फॉर शॉर्ट टर्म यूजेज। लॉन्ग टर्म की तो बात छोड़ें, शॉर्ट टर्म यूजेज के लिए भी ना, अगर हम यूज़ करते हैं तो भयंकर साइड इफेक्ट्स इनके साथ जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज दे कॉज एग्रेशन, दे कॉज एग्रेशन, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कॉज कर देते हैं, जैसे हमारी ना सोचने की क्षमता ही बदल जाती है। अब इमेजिन कीजिए, जिस बंदे की सोचने की क्षमता, उसकी कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग चेंज हो गई है, वो कितना भयंकर उसका इफेक्ट रहेगा, उसकी पर्सनालिटी, उसका टोटल व्यू पॉइंट चेंज हो जाता है बंदे का, है ना। सो टू अवॉइड सच साइड इफेक्ट्स, थोड़ा काम किया उसमें, ढूंढा कि होम्योपैथी में इसका तोड़ तो ढूंढना था, आपको इससे फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा, इसका एक होम्योपैथिक सब्स्टिट्यूट कह लें, अ बेटर सब्स्टिट्यूट दैट हैज़ द सेम इफेक्ट्स माइनस द साइड इफेक्ट्स। तो दोस्तों, अगर इसका होम्योपैथिक में तोड़ देखना है ना, इसका ढूंढना है, तो इसका मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, तभी हम कंपेरेबल होम्योपैथिक रेमेडी ढूंढ पाएंगे, राइट। और इन शॉर्ट बात करूंगा इसका मोड ऑफ एक्शन, कैसे ये एक्ट करता है, बेंजोडाइजेपिन्स कैसे एक्ट करते हैं, क्या इनका इफेक्ट रहता है, उतनी बात करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, वी डोंट गो इनटू द डिटेल्स। देखिए, हमारे ब्रेन में जो नर्व्स हैं ना, ब्रेन सेल्स हैं, ठीक है, दे वर्क रेगुलरली डे एंड नाइट, है ना। तो कई बार जो ये कंडीशंस बनती है ना, जहाँ जीएडी, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है,
या एंग्जाइटी है, पैनिक डिसऑर्डर है, इंसोमनिया है, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स, ऐसे सिम्टम्स, उस केस में ना जो नर्व सेल्स हमारे ब्रेन के वो ओवर एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है ना, ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं, जिस वजह से यानी कि ना टिका नहीं है, रेस्टलेस है, बेचैनी है, घबराहट है, ये सब सिम्टम्स आते हैं. नाउ नेचुरली न्यूरो ट्रांसमीटर दैट इज एग्जिस्टिंग इन आर ब्रेन, एक ना केमिकल है कह लें, न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसका नाम है GABA, गाबा कहते हैं इसके, बेसिकली इट इज़ गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, GABA, ठीक है. ये एक इस तरह का केमिकल है जिसका ना इनहिबिटरी एक्शन है, सप्रेसिव एक्शन है, जैसे ओवर एक्साइट हो जाएगा ना नर्व सेल्स ब्रेन के तो उनको शांत करना है बेसिकली, तो वो ये गाबा करता है. अब बेसिकली जो क्लास ऑफ ड्रग्स हमने बात की है बेंजोडाइजपीन्स है ना, ये क्या करती हैं, ये गाबा को एक्टिवेट कर देती हैं और उसको ज़्यादा उसकी एक्टिविटी को इन्हांस कर देंगी, सो दैट वो अपना इनहिबिटरी एक्शन शो करेगा और नर्व्स जो हमारे ब्रेन के हैं वो शांत हो जाएंगी और ये जो डिफ़िकल्ट सिम्टम्स हैं ना उससे राहत मिलेगी. आई होप आई एम क्लियर. इन सिंपल वर्ड्स ये इसका मोड ऑफ एक्शन रहता है रिगार्डिंग बेंजोडाइजपीन्स, ये ऑल दोज क्लास ऑफ कंपाउंड्स जिसकी हमने शुरू में बात की, ठीक है. तो इसका इनहिबिटरी एक्शन है, सीडेटिव एक्शन है, शांत करती है ब्रेन सेल्स को और पेशेंट को सिम्टम्स में राहत मिलती है, ठीक है. मोड ऑफ एक्शन बढ़िया है, इट एक्ट्स, इट इज़ वेरी इफेक्टिव, बंदे को आराम भी मिलता है. लेकिन दोस्तों इसका यूज़ ना, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म यूज़ आई वुड से इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल, शॉर्ट टर्म यूज़ किया जाता है, इन इमरजेंसी कंडीशन देना देने पड़ती हैं फॉर 2 to 4 weeks, लाइक इट इज़ ओके. लेकिन लॉन्ग टर्म यूजेज इज़ कंट्रोवर्शियल. बेंजोडाइजपीन्स इनफैक्ट इनके अंदर जो कई क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि बैंड हैं, दे आर नॉट सपोज टू बी गिवन, दे आर नॉट सपोज टू बी सोल्ड इन ओपन मार्केट. हम सब जानते हैं एल्प्राजोलम, क्लोनाजेपम, आई मीन दीज आर बैंड ड्रग्स इन मोस्ट पार्ट्स, ठीक है ना. क्यों? क्योंकि साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स भयंकर साइड इफेक्ट्स हैं. सिंपल लाइक जैसे क्योंकि ये CNS पे एक्ट करते हैं ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, तो लाइट हेडेडनेस रहती है. साइड इफेक्ट्स कुछ आपके साथ शेयर करूं, जैसे ना सर घूम रहा है, हवा में घूम रहा है, ड्राउजीनेस है, बेसुरत पड़ा है बंदा, जैसे आपने नोट किया हो, ऑब्जर्व किया हो कभी, टैबलेट डोज लेके बंदा पड़ा हुआ है बस, ही इज स्लीपिंग. सीडेटिंग एक्शन इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, सुन कर देता है, सुनपन ब्रेन को एकदम से सुन कर देता है. अच्छा, फिर नौजिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक एब्डोमिनल डिस्टर्बेंसेस रहती हैं, इसमें वेट लॉस भी हो जाता है, एपेटाइट, जैसे भूख एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी पेशेंट की, एकदम से गिर जाएगी, ठीक है. और सीजर्स भी हो सकते हैं. इन सीरियस इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सीजर्स कॉज कर सकता है, रेस्पिरेटरी इसके अंदर डिसऑर्डर आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, डिप्रेशन वी कॉल, दैट्स अ सेपरेट एक्चुअली टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, ठीक है. अच्छा, जॉन्डिस भी हो सकता है. सीरियस साइड इफेक्ट्स की बात करें तो पेशेंट इतना इसके प्रभाव के अंदर आ जाता है कि सुइसाइडल टेंडेंसी हो जाती है, खुदकुशी करने की नौबत तक आ जाती है. आई कैन यू कैन वेरी वेल इमेजिन, देखिए इतने भयंकर साइड इफेक्ट्स. कम टू होम्योपैथी, वी हैव अ ब्यूटिफुल होम्योपैथिक रेमेडी जो यहाँ हमारी मदद करती है विद अ सिमिलर इफेक्ट्स, अगेन आई वुड से माइनस द साइड इफेक्ट्स. आइए बात करते हैं वेलेरियाना की. दोस्तों वेलेरियाना ऑफिसिनेलिस ये है होम्योपैथिक रेमेडी जिसका मोड ऑफ एक्शन, हम देखो मोड ऑफ एक्शन की बात की है ना, बेंजोडाइजपीन्स की, GABA गाबा की एक्टिविटी को इन्हांस कर देती है, सो दैट नर्व्स की एक्साइटेबिलिटी जो नर्व्स को कूल डाउन करेगी, काम डाउन करेगी हमारे ब्रेन के सेल्स को, है ना. नाउ सिमिलर मोड ऑफ एक्शन इज ऑब्जर्व विद अवर होम्योपैथिक वेलेरियाना ऑफिसिनेलिस. वेलेरियाना बहुत बेहतरीन ड्रग, इट्स अ हर्ब, प्लांट है, पौधा है जिससे मदर टिंचर तैयार किया जाता है. मोड ऑफ एक्शन कंपेरेबल है बिना किसी साइड इफेक्ट के. आइए डिटेल में बात करते हैं कौन से केसेस हैं जहां वेलेरियाना हम दे सकते हैं. वेलेरियाना को यूज़ करना है तो मेंटल सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करने में, स्पेशली द हिस्टेरिकल पेशेंट रहेगा. पेशेंट जो है विद मार्क्ड, वेरी मार्क्ड हिस्टेरिया, यानी कि उसके जो स्विंग्स हैं ना, मेंटल स्विंग्स हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम्स में जाएंगे. छोटी सी एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा. अच्छा, इसके ना चेंजेबल डिस्पोजिशन भी रहता है, चेंजेबल डिस्पोजिशन इसका, जैसे सबके सामने बैठा है तो एक्सट्रीम हिस्टेरिकल सिम्टम्स आएंगे उसको, उसको दिक्कतें रहेंगी, मेंटल सिम्टम्स आएंगे जो हमने शुरू में बात की है, वो सब सिम्टम्स आएंगे उसको. लेकिन चेंजेबल डिस्पोजिशन है वो, जब अकेला रहेगा या अपने सराउंडिंग्स कंफर्टेबल में रहेगा ना, तो ही विल बिकम नॉर्मल, ठीक है. दैट इज चेंजेबल डिस्पोजिशन विद मार्क्ड हिस्टेरिया,
मेंटल सिम्टम्स बहुत मार्क्ड रहते हैं इसके, जितने सेंसेस रहते हैं ना पेशेंट के, ऑल सेंसेस आई कैन से दे बिकम ओवर सेंसिटिव, ही इज़ वेरी सेंसिटिव टू ऑल इम्प्रेशंस, उसको छुटपुट जो है ना दिक्कतें बहुत बड़ी जग करके दिखेंगी उसको, ऑब्जर्व होंगी, ठीक है, ही इज बिकम ओवर सेंसिटिव टू ऑल काइंड ऑफ सेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम्स. फिर हिस्टेरिकल अगेन आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्ड सिम्टम रहता है दोस्तों हिस्टेरिया, सबके सामने कुछ और रहता है, अकेले में नॉर्मल हो जाता है, हिस्टेरिकल सिम्टम्स शो करता है. अच्छा, यहाँ ना शियाटिका के भी दर्द के भी में भी राहत मिलती है पेशेंट को, व्हेन इज सिटिंग उसको दिक्कत रहेगी, स्टैंडिंग जैसे एकदम से खड़ा होगा तो दिक्कत बढ़ेगी, बट थोड़ा सा चलेगा, रस्टॉक्स याद आती है यहाँ, लेकिन वेलेरियाना इज़ वेरी पर्टिकुलर फॉर दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स. दोस्तों तकरीबन जितने सिम्टम्स बेंजोडाइजेपिन्स कवर करती है ना, वेलेरियन ऑफिसनलिस बहुत कॉम्पिटिटिवली वी कैन सब्सटीट्यूट और बिना किसी साइड इफेक्ट के वेलेरियाना जरूर दें. मदर टिंक्चर फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं. डोजेज की बात करें, अगेन आई वुड से नो सेल्फ मेडिकेशन दोस्तों, पर्टिकुलरली इन दिस काइंड ऑफ केसेस, है ना. लेट योर फिजिशियन डिसाइड, आपके डॉक्टर की सलाह के बिना ना लीजिएगा, लेट हिम डिसाइड द डोजेज एंड पोटेंसी, कब तक देनी है डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स. लेकिन हाँ, एक बात पक्की है आज के वीडियो से, आई होप आपको ये फ़ायदा ज़रूर पहुँचा होगा, दैट हमें थोड़ा ज्ञान बढ़ा, थोड़ी अवेयरनेस हुई है कि वी हैव बेटर सब्सटीट्यूट्स, वी हैव बेटर ऑप्शन इन होम्योपैथी, जहाँ मिलते जुलते हमें इफ़ेक्ट्स मिलते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, राइट. होम्योपैथी है तो होप है दोस्तों, होम्योपैथी ट्रीट सेफली एंड श्योरली. जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, कोशिश यही जारी रहेगी टू ब्रिंग टू यू द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी. अपने सुझाव देना मत भूलिएगा, डू मेंशन द कमेंट सेक्शन. एनी रिक्वेस्ट फॉर पर्टिकुलर वीडियो आप भेज सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन मेल मी एट gurunanakcares@gmail.com. जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस.